लॉकडाउन हो चुका था, तो हम लोग के स्टार्टअप सेल में हम लोगों ने एक मीटिंग रखा कि इस टाइम में कॉलेज क्या दे सकता है लोकेलिटी को, सोसाइटी को। तो फिर हम लोग के पास एक कॉन्सेप्ट आया, क्यों ना हम लोग सैनिटाइज प्रोडक्ट को पूरा पीपल तक भी पहुँचा। आपको जैसे कि पता है कि हमारा जो मिस्टर ग्रोफर जो कंपनी है हर एक छोटे छोटे शॉप में जाकर काम कर रही है, ऑनलाइन पे काम कर रही है, डोर टू डोर पे काम कर रही है। तो वैसे ही ये जो बनारस बिक्री दुकान है इस पर भी हमारा जो है मिस्टर ग्रोफर जो है इस पर काम कर रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कस्टमर जो है ऑनलाइन परचेज कर पा रही है मिस्टर ग्रोफर एप्लीकेशन के जरिए, तो आप लोग भी परचेज कर सकते हैं। तो आप बता सकते हैं कि ऑनलाइन पे मतलब आपका कैसा परचेजिंग हो रहा है? ठीक है, अभी तो थोड़ा सा स्लो है, लेकिन ठीक है, दो तीन निकले हैं अभी तक। हाँ, और आगे उम्मीद है तो और ज़्यादा जाएगा। अच्छा, सहयोग रहा। तो जैसे कि पहले तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं था कि आप ऑनलाइन, आपका कस्टमर ऑनलाइन नहीं आकर सामान ले सकता था। नहीं, लेकिन अब जो है ये मिस्टर ग्रोफर एप्लीकेशन के चलते आपका जो कस्टमर है वो ऑनलाइन के जरिए भी जुड़ पा रही है। हाँ। ऐसे आप सिर्फ ऑफलाइन ही कस्टमर को अभी तक तो ऑफलाइन कर पा रहे थे, लेकिन आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर काम करके? इसकी बहुत अच्छी है, जुड़ के अच्छा लग रहा है, और हमारे वॉइस में हमारे ये बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत से कस्टमर हमें होम डिलीवरी का मांगते थे, अब ये हमको होम डिलीवरी करने में सुविधा होगी आप लोग के माध्यम से, ब्रोकर ऐप के माध्यम से। हाय गाइस, मैं अनुराग कुमार और आपका स्वागत है इस चैनल पे। हम लोग जो है सेसा इंजीनियरिंग कॉलेज सासाराम का स्टूडेंट हैं। तो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं एक एप्लीकेशन के बारे में जो कि हमारे ही कॉलेज के दो स्टूडेंट जो है बनाए हैं, तो उनसे बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको उनसे परिचय करवाते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अंकित कुमार है, मैं सेसा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का 2K17 बैच का छात्र हूँ। मेरा ब्रांच इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है। और आप अपना? मेरा नाम चंदेश्वर शर्मा है, मैं 2K16 बैच का स्टूडेंट हूँ, मेरा ब्रांच CSE है। तो गाइज, यही दो स्टूडेंट हैं जो कि हमारे कॉलेज सिरसा अभियंत्रण महाविद्यालय सासाराम के दो ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने दो एप्लीकेशन बनाया है, तो वो दोनों एप्लीकेशन पर अभी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आप अपना एप्लीकेशन का नाम बताइए। हम लोग का दो एप्लीकेशन है, एक एप्लीकेशन का नाम मिस्टर ग्रोफर है और दूसरे का नाम है बेस्ट बुक। एक जो है वो ये हमारा ई शॉपिंग के लिए नहीं, लोकल शॉप्स को ऑनलाइन करने के लिए। हाँ। लोकल दुकान को ऑनलाइन बनाने के लिए। अच्छा, ये इसका बेसिकली मेन यही काम है कि जो लोकल शॉप्स हैं, जो आउटसाइड ऑफ एरिया है या फिर जिसका सेलिंग कम है। हाँ। जिसके पास कस्टमर पहुंचने वाले कोई होता है, मार्केट के बीच में होता है, तो उसके पास हर लोग कहीं से भी आ रहे हैं, उसी के पास जा रहे हैं। कोई होता है कि उसको जगह नहीं मिला, वो बगल में खोला हुआ है, तो उसके पास लोग नहीं पहुँच पाते। तो हम लोग का मेन मोटिव है कि उस शॉप को ऑनलाइन ला दें। जो बिजनेसमैन, जो कोई वर्किंग आदमी है जो जॉब पे जाता है, तो वो बैठ के उसको टाइम नहीं है तो वो ऑर्डर कर ले, ऑर्डर करेगा तो ये जो दुकान बीच में था उसके पास तो लोग जा ही रहे हैं। लेकिन जो बाहर में है उसके पास नहीं जा रहे हैं, उसको एक बेनिफिट मिल गया कि जो लोग ऑर्डर कर रहे हैं ऑनलाइन, मंगा रहे हैं घर पे, तो वो उस दुकान से मंगा रहे हैं, तो वो जो बगल वाला दुकान है उसको बेनिफिट हुआ। हम लोग का बेसिकली वही काम है कि जो जिसका कम बिक्री हो रहा है, जो आउटसाइड ऑफ एरिया है, लोकेलिटी है, तो उसको हम लोग ऑनलाइन ला दें, उसका सेल बढ़ सके। और दूसरा जो है, जैसे चाइना में बंद हो गए थे शेयरिंग वगैरह, तो उसका अल्टरनेटिव है, शेयरिंग ऐप है, वो बेस्टो है, उसका नाम बेस्टो। अच्छा, तो आप बताइएगा कि आप क्या सोच के ये एप्लीकेशन बनाए थे? हम लोग जब लॉकडाउन हुआ था मार्च में, तो उसके बाद हम लोग के कॉलेज बंद हो गए, हम लोग घर पे रह रहे थे। उसके बाद फिर एक दो महीना बीता, अप्रैल मई बीता, तो फिर हम लोग देखे कि जो लोकल्स दुकान है सारी चीज़ बंद हो गए, उन लोगों को डिलीवरी करने में बहुत परेशानी हो रही है, उन लोगों का सामान जो है वो जा नहीं पा रहा था, माल रह रहा था घर पे ही, सड़ रहा था कुछ, अगर कुछ फल सब्जियाँ तो सड़ जा रही थी, और कोई सामान है तो वो बिक नहीं पा रहा था, उन लोगों का बहुत बुरा हाल हो रहा। तो हम लोग सोचे कि इसको कुछ ऐसा कर देते हैं कि ये लोग घर पे ही जाए, सब लोग घर पे ही हैं, तो उनको हम घर पे ही डिलीवर हो जाए, वो खुद से कर रहे, मतलब उनको पता चल जाए कि मेरे यहाँ से कोई मंगा रहा है और वो खुद से जाके डिलीवर कर। जैसे कि उसमें अभी कोई कॉल करता था, नंबर है किसी के पास नहीं है, कॉल करके मंगाता था कि हाँ हमको यहाँ पहुँचा दीजिए। यहाँ पे हम लोग सोचे कि ऐसा कुछ कर देते हैं कि इनको पता चल जाए बिना कॉल के ही कि हाँ ये यहाँ से ये सामान मंगा रहा है, तो
फिर हम वहाँ पे वो खुद अपना लड़का लेके भेज दे कि जाओ तुम वहाँ पे डिलीवर करो। बेसिकली यही सोच के हम लोग इस पे काम करना शुरू किए। ये काम लगभग मई या जून से ही शुरू हो गया। जून से हम लोग लगे, जून से इसमें हम लोग लगे। जून के बाद एक दो महीना में अगस्त तक इसका फिर ट्रायल, अगस्त से पहले ही ट्रायल इसका शुरू हो गया। ससराम में इसका ट्रायल शुरू हो गया, ससराम में काम करना शुरू कर। तो अब इनसे भी कुछ सवाल हम करते हैं। तो आप ये बताइए कि आपने तो एप्लीकेशन बना दिया, लेकिन ये एप्लीकेशन मार्केट में कैसा इसका रिस्पॉन्स आ रहा? एक्चुअली शुरुआत में तो वैसा कुछ था नहीं। हम लोग का जितना भी व्हाट्सएप या फेसबुक के थ्रू जितना प्रचार प्रसार करना था उतना किए। फिर बाद में न्यूज़पेपर वाले मीडिया वाले आए हम लोग सपोर्ट में, जैसे दैनिक भास्कर हो गया, प्रभात खबर हो गया, या मीडिया दर्शन और सासाराम की गली फेसबुक पेज है, वो सब मिल के इसका प्रचार प्रसार किए, जिसकी वजह से कुछ लोग जुड़े हमसे। अभी इसका रिस्पांस अच्छा चल रहा है, भविष्य में और अच्छा होने का लग रहा है, हो जाएगा। अच्छा, तो मैं तो ये एप्लीकेशन आपको कहाँ पे मिलेगा? ये गूगल प्ले स्टोर से इजीली डाउनलोड किया जा सकता है। इसका नाम मिस्टर ग्रोफर है, जो यूजर्स के लिए बनाया गया है, और मिस्टर ग्रोफर सेलर जो ऐप जो है वो शॉपकीपर के लिए बनाया गया है। दो एप्लीकेशन है? हाँ, दो एप्लीकेशन है। जिसको जिसके पास शॉप है वो शॉप वाला डाउनलोड करके और उसमें अपना दुकान ऐड कर सकता है, उसका फोटो वगैरह डाल के दुकान ऐड कर सकता है, अपना बेच सकता है उस पर। हाँ, उसमें अपना आइटम ऐड कर सकता है खुद से, और उसका प्राइस भी अपने से फिक्स कर सकता है, मतलब तो उसको जो सफिशियंट लगे जितने बिकता है जो उसके अकॉर्डिंग वो फिक्स कर सकता है प्राइस। और उसको अपने अपने से प्रमोट करना हो तो प्रमोट भी कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, अपने से प्रमोट कर सकता है। और फिर हम लोग भी उसको प्रमोट करते हैं, जो भी दुकान जुड़ता है उसको हम लोग अपने सोशल मीडिया पर डालते रहते हैं। ऐसे तो क्या बताएं, आप जो लोग लाखों रुपया खर्च करते हैं अपना प्रमोशन कराने के लिए, अपना वेबसाइट और अपना ऐप बनाने के लिए, और ये जो है बिल्कुल फ्री है। यहाँ पे आइए और अपना स्टोर बनाइए, स्टोर या शॉप बनाइए और जुड़िए। यहाँ पे कोई इसका चार्जेस नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और कस्टमर के लिए भी उसी एप्लीकेशन? हाँ, कस्टमर के लिए मिस्टर ग्रोफर ऐप है, जो इजीली प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कीजिए। और इसमें सिर्फ आपको अपना नाम और पिन कोड डालना है, और बेसिक डिटेल्स जैसे मोबाइल नंबर हो गया, एड्रेस हो गया, इसको डालिए, और उसके बाद आपके रेंज में जो भी शॉप्स रहेंगे वो सब दिखने लगेंगे, जैसे किराना का शॉप हो गया या इलेक्ट्रॉनिक्स का हो गया या रेस्टोरेंट हो गया, जैसे स्विगी जोमेटो टाइप का है, तो इस टाइप का रेस्टोरेंट जो है वो सब भी दिखने लगेगा उसमें, जिससे आप चाहते हैं, जो चीज मंगाना चाहते हैं उससे इजीली आधे घंटे के अंदर में मंगवा सकते हैं। अच्छा, और ये आपका बेस्ट जीरो जो है वो एप्लीकेशन बेस्टो बेसिकली वो चाइनीज ऐप बंद होने वाले लगे, तो इस वजह से कोई अल्टरनेटिव ऐप नहीं था, तो हम लोगों ने सोचा कि एक अल्टरनेटिव ऐप बनाया जाए, जिसके कारण हम लोगों ने इसको बेस्टो ऐप डेवलप किया है। इसको अक्टूबर में शुरू किए थे इसको बनाना, जो कि नवंबर लास्ट तक बन के रेडी हो गया था। इसका स्पीड बहुत अच्छा है, आपके मतलब स्टोरेज और मोबाइल पे डिपेंड करता है। इसका स्पीड 50 MB/s है। अच्छा, शेयरिंग फाइल का। तो गाइज, मिस्टर ग्रोफर का दो एप्लीकेशन है, एक सेलर एप्लीकेशन है और एक कस्टमर का एप्लीकेशन हुआ, और एक बेस्टो जो कि फाइल शेयरिंग का एप्लीकेशन है, जिसका कि आपको हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहां से जाके इजीली वे में डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं और लोगों को भी बता सकते हैं। अगर आपको ये पसंद आता है तो आप यूज कीजिए, अगर अच्छा लगे तो आप उसका रिव्यू भी कर सकते हैं उसके वहां पे जाके। तो गाइज, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।